लड़की का मर्डर हुआ है या रेप की भी संभावना है? सर रेप की संभावना तो नहीं लग रही, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। जयवीर ये लगा कौन सी चौकी में आता है? जैन सर। जैन सर। आप कौन? सर हम वो चौकी फलेरा से। ये इलाका चौकी फलेरा में आता है? हाँ जी। कौन इंचार्ज है यहाँ का? जी नेहा गौतम। आपके चौकी क्षेत्र में एक लड़की का मर्डर हो गया है, आप और आपके इंचार्ज सोए पड़े हैं, लाश के पास ये रिवाल्वर और ये मोबाइल मिला है। साहब ये रिवाल्वर और मोबाइल तो नेहा मैडम का है। इसका मतलब नेहा मैडम ने ही मर्डर किया है। साहब वो इसका मर्डर क्यों करेगी? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्यों करेंगी, कहाँ है वो? साहब वो तो कल से कहीं गई हुई है, आई नहीं अब तक। मतलब मर्डर करके फरार हो गई वो? साहब ये भी तो हो सकता है उनका किडनैप हो गया हो। मुझे मत बताओ क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। जयवीर सिंह। जी सर। पूरी चौकी को सस्पेंड करो और नेहा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करो। ठीक है सर। साहब मैं कह रहा था। चुप रहिए, हमें जांच करने दीजिए। यू आर ऑल सस्पेंडेड और जाइए। साहब मैं तो छुट्टी पे था। जयवीर सिंह चौकी सस्पेंड रहेगी, एक्सेप्ट हिम। ओके सर। थैंक यू सर। चलिए सर। राजवीर सिंह या लड़की कुछ दिन पहले चौकी आई थी। अच्छा। और किसी के बारे में कुछ बताना चाह रही थी। अच्छा, कौन हो सके वो मिल जा तो ये सारा मामला सॉल्व हो जा। अरे उसे बाद में ढूंढेंगे, पहले हम नेहा को तो ढूंढे। अकवा कहाँ है? उसे कहाँ ढूंढे, उसके घर फोन करके देख ले कि पता अपने घर गई हो। अरे नहीं, अगर वह अपने घर गई होती तो उसकी पिस्टल और उसका फोन यहाँ नहीं मिलता। इस मर्डर में नेहा से जुड़ी हुई कोई ना कोई बात जरूर है। हो सके ऐसा भी।